हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चंस किए थे। अब देखिए, सब उससे पहले आज हम जो आगे एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, 3.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आज मैं कवर करवाऊंगा। अब उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो क्या है, अब देखिए जो लीनियर, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर पेयर इन टू इक्वेशंस। अब देखिए क्या है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। जब हमारी जो लाइंस है वो एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो पॉसिबिलिटीज कितनी है दोस्तों, वो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 कौन सी है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट लाइंस होंगी, या दो सेकंड वन थी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने इसका रेशो पढ़ा था। रेशो क्या था कि जब ये इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस तो उसमें हमारा रेशो क्या होता है, पैरेलल्स में क्या रेशो होता है और कोइंसिडेंट में कौन सा रेशो होता है। तो देखिए ये चीज मैं रिवाइज करवा रहा हूं, फिर भी यदि आपको इससे इसको डीप पढ़ना है तो हमारे लास्ट वीडियो जरूर देखें। उसमें क्या पढ़ा था, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2। उसकी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा जो रेशो है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में क्या है, A1 बाई A2 इज इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 बाई C2। ओके, अब देखिए कोइंसिडेंट लाइंस क्या है, अब कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, इसकी जो ये रेशो है जो हमारे इक्वेशंस का, वो सबका क्या होगा, वो हमारा सबका सेम होगा। अब इसमें हमने क्या देखा था कि हाँ भाई इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है। अब देखिए इसमें जो हमारे हमने जो कल जो लास्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन किया था वो क्या था हमारा, कि कौन सी लाइन कॉन्सिस्टेंट है और कौन सी इनकॉन्सिस्टेंट है। अब देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए ये लर्न करनी है, फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में उसने बताया था हमने कि कौन सी और कौन सी इनकॉन्सिस्टेंट है। अब देखिए जो एनसीईआरटी में 4th क्वेश्चन है वो आपसे बोल लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आपसे एक और प्लस इसमें लास्ट क्या क्वेश्चन है उसको आपको ग्राफिकली पुट करना है। क्या करना है दोस्तों, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली क्या करना है, अब ग्राफिकली किसका पुट होगा, आइए हम उस चीज को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमने देखा था इंटरसेक्टिंग है, अब इनकॉन्सिस्टेंट जो लाइंस है जो उसका सॉल्यूशन निकलता है वो केवल एक लाइन का निकलता है, वो कौन सा है, वो है कॉन्सिस्टेंट का। इनकॉन्सिस्टेंट लाइन जो हमारी, देखिए जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो क्या होती है, वो हमारी कॉन्सिस्टेंट होती है, और जो हमारी पैरेलल लाइंस है वो क्या होती है, वो भी हमारी कॉन्सिस्टेंट होती है। अब क्या बच गया, इनकॉन्सिस्टेंट कौन सा है, ठीक है हम वो चीज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना है, अब आपको ग्राफ किसका पुट करना, ग्राफ किसका पुट होगा, केवल कॉन्सिस्टेंट का ही पुट होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है तो हम उसका ग्राफ पुट नहीं कर सकते। तो देखिए 1st क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो पार्ट है 1st वो क्या है आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल 5 और सेकंड क्या है 2x प्लस 2y इक्वल 10। ओके, अब देखिए अब आपको यह बताना है कि ये लाइन कौन सी है। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट ये करेंगे क्या ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिस्टेंट है या आपकी पैरेलल लाइंस है। उसके लिए हमको क्या करना था, उसके लिए हमको रेशो बनाना था। अब रेशो कैसे बनाएंगे, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हेयर A1 कितना है। अब देखिए A1 हमने क्या किया था, हम जो रेशो निकालते हैं उसके लिए कितनी लाइंस होनी चाहिए, 2 लाइंस होनी चाहिए। अब देखिए जो रेशो निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, जैसे हम निकालते हैं मिल्क और वाटर का रेशो निकाल लेंगे तो मिनिमम कितनी चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए भाई, 1:2 है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1:2 है, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पे A1 कितना है, x के आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों, कुछ नहीं है, तो क्या लिखा होता है 1।
B1 कितना है? अब B1 जो Y के आगे है, Y के आगे कितना है आपका? कुछ नहीं है, तो वो भी क्या है? 1. अब देखिए C1 कितना है? अब देखिए 5 है. आप इसको इस साइड लेके आते हैं तो -5 हो जाएगा, बट कोई नहीं, हम इसको 5 लिखते हैं, ठीक है. अब देखिए A2 कितना है यहाँ पे? A2 X के आगे 2. B2 कितना है आपका? 2. और आपका C2 कितना है? C2 हमने देखा 10. अब देखिए आपको क्या करना है, रेशो निकालना है. रेशो निकालते ही हमको ये देखना है कि हाँ भाई, जो ये हमने इक्वेशन बनाई है, ये इंटरसेक्टिंग की है या कैसी है. अब हम A1 बाई A2, ठीक है, हम रेशो निकाल लेंगे B1 बाई B2 और C1 बाई C2. क्या देखिए मैंने अभी लिखा है इक्वल, क्या है? मैंने सही लिखा है अभी भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है? नहीं, अभी हम ये चीज नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको रेशो निकालने के, रेशो निकालने के बाद हमको पता लगेगा कि ये चीज सही है या नहीं है. अब देखिए रेशो कैसे निकाल लेंगे, A1 बाई A2 कितना हुआ? 1/2. B1 बाई B2 कितना हुआ? ये B1/2. और ये कितना हुआ? 5/10. देखिए 5/10 है, क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं. कितना हुआ? 1/2. तो आपने देखा A1 बाई A2 कितना है? 1/2. B1 बाई B2 भी 1/2 है, और C1 बाई C2 भी कितना है? 1/2. तो अब देखिए क्या है, आपस में जो तीनों रेशो है ये क्या है आपका? इक्वल आ गया. इक्वल आ गया तो कौन सी लाइंस हुई दोस्तों? कौन सी लाइंस हुई? इंटरसेक्टिंग हुई? नहीं, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है. तो कौन सी लाइंस हुई आपकी? इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है. अब देखिए इनकॉन्सिस्टेंट होगी आपकी, आपने बता दिया कि हाँ भाई इनकॉन्सिस्टेंट होगी. अब यहां से आप क्या बता सकते हैं, क्या इसका ग्राफ बनेगा? नहीं. क्यों नहीं ग्राफ बनेगा? क्योंकि देखिए जो हमारी लाइंस है वो इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कौन सी है? देखिए जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती है. इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इसके सॉल्यूशन निकलेंगे मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है. अब मैंने सॉल्यूशन निकल गए तो हाँ भाई, क्या हम इसका ग्राफ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा. अभी देखो, अभी तो हम बोल रहे थे नहीं बनेगा, अभी हम बोल रहे हैं बनेगा. क्यों बनेगा? अब देखिए यहां पे दो तीन चीजें मैं लिख देता हूं, इंटरसेक्ट, ठीक है, पैरेलल और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है. अब देखिए यहां पे कितने सॉल्यूशन थे? केवल 1 सॉल्यूशन है. पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन है? पैरेलल लाइंस में 9 सॉल्यूशन. अब देखिए जो हमारा ग्राफ पुट होगा वो किसका नहीं होगा? वो हम पैरेलल लाइंस का ग्राफ पुट नहीं कर सकते, हम किसका? इंटरसेक्ट का और इनकॉन्सिस्टेंट का हम पुट कर सकते हैं. तो देखिए यहां से आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये लाइंस हमारी कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है. अब आपको पता लगा इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है. अब ये इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट? अब देखिए यहां कॉन्सिस्टेंट हुआ. क्यों? बिकॉज दिस लाइंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, एक साथ इसके सॉल्यूशन ज्यादा निकलते हैं. तो आपको क्या करना है, अब हम इनको इनका ग्राफ पुट करना है. अब देखिए वो ग्राफ पुट कैसे करते हैं, वो चीज हमको इजीली पता है. कैसे? जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड वन इक्वेशन आपकी ये है. अब यहां हम ग्राफ पुट करने के लिए क्या है भाई, यहां पे हम x लिखेंगे, यहां पे y लिखेंगे. फर्स्ट वन इक्वेशन से यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या बोला मैंने, यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. बट ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया, बट आपको लिखना है इफ x इक्वल 0 देन 0 प्लस y इक्वल 5 देन y की वैल्यू कितनी है आपके सामने? 5. ये चीज आपको एग्जाम में करके दिखानी है. अब मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं भाई, x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो ये 1 जहां के वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4. यदि हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, हाँ भाई y की वैल्यू भी तो 0 रख सकते हैं. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों कि हम x की वैल्यू ही रखेंगे, हम y की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है. हम देखिए यहां पे हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की. अब y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. अब देखिए सेकंड वन में भी हम साथ के साथ करते हैं, फिर दोनों का एक मिनट में ग्राफ बनाते हैं. अब देखिए यहां पे इसके कितने सॉल्यूशन निकाल लें सर? हाँ, आपने तो 3 निकाल लें, बट कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं. तो हम 2 निकाल लेंगे या 3 निकाल लेंगे, वो अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कैसे सूटेबल है. वैसे यदि हम 3 निकाल लेंगे वो इनफ है, क्योंकि हमको ग्राफ ही पुट करना है. अब देखिए यहां पे x लिखा है, यहां पे y. अब देखिए यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, देखिए दोस्तों क्या बोला मैंने, x की वैल्यू क्या पुट की? 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. कैसे आई? 0 प्लस 2y इक्वल 10. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 5. अब देखिए यदि हम x की वैल्यू रखते हैं 1. अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 1
प्लस टू वाई इक्वल 10। अब ये 2 वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2y इक्वल 8, देन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 4। ठीक है, अब यहां पे हम लिख सकते हैं भाई एक y की वैल्यू 0 रख ली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपको x के कोऑर्डिनेट्स भी पता है फर्स्ट वन इक्वेशन के, आपको सेकंड वन के भी पता है, दोनों x और y दोनों के आपको क्या पता है कोऑर्डिनेट्स। अब आपको क्या करना है, केवल ग्राफ पुट करना है, ग्राफ बनाना, और ये ग्राफ बनते ही हमारा क्या है क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको ग्राफ बनाने का तरीका पता है, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3, ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये जीरो कोऑर्डिनेट है -1 -2 -3 -4, ठीक है। बट क्या ये चीज मैंने सही बनाई है दोस्तों, क्या यहां पे कोई मिस्टेक रही है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहां पे आपने ये नहीं लिखा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है या ये वाई की लाइन है या ये एक्स की लाइन है, तो हमको पता है ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब देखिए फर्स्ट वन इक्वेशन देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 यहां पे, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने यहां पे पुट किया 0.5। ओके, अब फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है 4, 1.4। बट देखिए जो ये आपको ग्राफ पुट करना है दोस्तों, वो किससे कहां पे करना है, वो आपको ग्राफ पेपर पे पुट करना है, और ग्राफ पेपर में किसकी हेल्प लेनी है आपको, पेंसिल एंड स्केल की। अब देखिए क्या करेंगे, थर्ड वन पॉइंट यदि आप नोट कर सकते हैं तो ये 5-0 हो जाएगा, आपको क्या करना है, हम इसको एज इट इज मिला देंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे आपकी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट वन एक्स प्लस वाई इक्वल 5। अब देखिए ये आपको डिनोट क्यों करना है, क्योंकि यहां से आपको इजीली ये पता लगेगा कि हाँ इसमें एक्स प्लस वाई ये वाली हमने ग्राफ पे पुट की है। अब देखिए सेकंड वन एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, अब देखिए सेम वही हो गया, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 4 ये भी हो गया, ये 5-0। सर ये तो जो सेकेंड वन जो लाइन आई है वो तो बिल्कुल इसके ऊपर ही आ गई, हाँ हमको पता ही तो है जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनता है, बिल्कुल इसके ऊपर आती है लाइन, सेम आप हमने देखा सेम डिटो वही लाइन है, तो यहां पे लिख देंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ आपने सबसे पहले इसकी रेशो निकाल ली है, रेशो निकालने के बाद आपने देखा भाई इन तीनों लाइंस में से कौन सी है, आपको पता है पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हम इसका ग्राफ पुट नहीं कर सकते, आपने ग्राफ पुट करके दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वन क्वेश्चन है आपको बताना है कि 2x - 2y - 2 = 0 एंड सेकेंड वन इक्वेशन आपकी क्या है 4x - 4y - 5 = 0। अब देखिए आपको बताना सबसे पहले ये लाइन हमारी कॉन्स्टिटेंट है या इनकॉन्स्टिटेंट, अब वो कैसे निकाल लेंगे, वो हमको पता है कि हम इसका रेशो निकालेंगे, फर्स्ट वन आपको ये बतानी है कौन सी लाइन से। अब देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, क्या है a1/a2 क्या निकला आपके सामने 2/4, ठीक है, अब b1/b2 निकाल लेंगे, b1 कितना आपके सामने -2, तो हमको मैंने बार बार बताया दोस्तों साइन हमेशा मैटर्स करते हैं, साइन ऐसा नहीं है कि यहां पे, अब देखिए यहां पे साइन कितना है -4, तो हम यहां लिख देंगे -4। अब देखिए c1/c2 वो कितना निकला रेशो आपका -2/-5। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते यहां पर देखा यह आपका आया 1/2, ये कट हुआ ये भी आया 1/2, ये आपका कट हुआ ये हुआ 2/5, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएंगे। अब यहां से होते ही आपने देखा भाई ये दोनों तो इसके इक्वल है बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारी जो लाइन है जो हमारी जो टू पेयर्स ऑफ लाइन दे रखी है वो कौन सी है, लीनियर है। अब देखिए लीनियर लाइन है या नहीं है, अब लीनियर इक्वेशन है सर ये, तो लीनियर लाइन तो है ही नहीं। अब यहां देखा क्या इंटरसेक्ट है, के जो लाइंस है हमारे जो इंटरसेक्ट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन क्या है भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब यहां पे आपने देखा हाँ ये चीज तो हमारी कौन सी लाइंस हुई, ये तो हमारी पैरेलल लाइंस हुई, अब पैरेलल लाइंस होगी तो ये हमारा सॉल्यूशन जो निकला कॉन्स्टेंट है या इनकॉन्स्टेंट, आपने देखा सर इसका हमारा आंसर तो क्या हुआ इनकॉन्स्टेंट।
अब यहां से निकल देखते ही क्या इसका ग्राफ पुट करेंगे? अब हम इसका ग्राफ पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यदि आपको फिर भी बोल दे आपको ग्राफ पुट करना है तो आप देखेंगे ग्राफ में कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों लाइन से इस तरीके से पैरेलल आ जाएंगी या इस तरीके से पैरेलल ऐसे आ जाएंगी। बट इनका सॉल्यूशन क्या हुआ? अब ये क्या कहीं पे कट कर रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे दोस्तों? इसके सॉल्यूशन 9 सॉल्यूशन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएंगे सर ये प्रॉब्लम आई, तो आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्ड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं फिर सोल्व करते हैं और देखेंगे, बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। अब क्या है? अब देखिए सबसे पहले यहां पे आपको 3-4 चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट वन पेरीमीटर, सेकंड वन रेक्टेंगल, ठीक है, फिर ये डाइमेंशंस, ठीक है। अब आपने देखा क्या है, सबसे पहले आपको पता है जो गार्डन है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? ये होती है, जैसे मैं बोलता हूं ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी हमारी लेंथ भी होती है और जिसकी हमारी ब्रेथ भी होती है। जैसे हम आमतौर पे क्या देखते हैं? अपना रूम देखते हैं। जब हम अपने रूम को देखेंगे उसकी एक लेंथ है, उसकी एक ब्रेथ है। बट क्या है? अब देखिए लेंथ हम अपना रूम देखते हैं, हो सकता है हमारा लेंथ स्क्वायर फील्ड में हो, तो लेकिन क्या है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है वो क्या है? लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों? वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो वो क्या है? हमारा रेक्टेंगल शेप में हम उसको बोलते हैं। अब ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे भाई रेक्टेंगुलर जो शेप वो कैसी है, आपको पता लग गया ऐसी है। बट अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, अब देखिए मैं एक चीज अलग, ये आपके सामने मैंने बनाया एक ट्रायंगल बना दिया दोस्तों, ठीक है। यदि मैं कहता हूं इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब क्या है? एक बार हम उसको एक मिनट में समझेंगे फिर आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर का मतलब क्या है? यदि मैं आपको कहता हूं आपको अपने जो घर है उसके चारों तरफ आपको कुछ आपको पेयरिंग करनी है या आपको कुछ लगाना है उसके चारों तरफ, तो हम क्या करते हैं? हम घर के एक कोने से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक ये बोलता हूं इसमें यहां पे मेरे को है ना, इसके चारों तरफ मेरे को कुछ रस्सी बांधनी है, ठीक है। अब उसका हम क्या करेंगे? अब हम एक पॉइंट से चलेंगे, सपोज ए पॉइंट से चलते हैं, इसके 3 पॉइंट से ए बी सी, एक पॉइंट से चलते हैं हम क्या कहां तक आते हैं? बी पॉइंट तक। बी से क्या करते हैं? सी पॉइंट तक। सी से क्या आते हैं? ए पॉइंट तक। मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था चलना, यदि हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कोई भी एक इस तरीके की ये है, ये हमारा क्या है, एक कोई सपोज फिगर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर का मतलब यदि आप यहां से स्टार्ट हुए और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा होता है पेरीमीटर। अब सेम इसमें क्या बोल रहा उसने कि भाई पेरीमीटर, अब देखिए क्या है, हाफ हाफ को एक मिनट के लिए हम लीव करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पेरीमीटर का मतलब हाँ भाई ए पॉइंट से स्टार्ट किया हमने चलना, फिर वापिस कहां पे आगे, वापिस हम ए पॉइंट पे आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। ओके, अब हमको पेरीमीटर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड विड्थ। विड्थ बोल सकते हैं या हम इसको ब्रेथ बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। अब देखिए आपको पता है दोस्तों इसकी लेंथ कितनी है? सर नहीं पता। आपको पता है विड्थ कितनी है? नहीं पता। तो हम मानेंगे लेट the length of rectangular garden is
या इक्वल क्या मानेंगे हम इसको, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्स मीटर मान लें। तो विड्थ कितनी हो जाएंगी, लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इसको हम क्या मानेंगे, वाई मीटर, ठीक है। अब देखिए आपको पेरीमीटर निकालना है। अब मैं देखिए एक मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई है, ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी सी डी। अब यहां पे आपने देखा इसकी लेंथ को हमने क्या मानना है, एक्स, विड्थ को क्या मानना है आपने, वाई मानना है। तो इसके सामने वाली ये क्या होगी, ये वाली भी हमारी एक्स, क्योंकि आपको पता है जो रेक्टेंगुलर है उसमें आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या है, वाई। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे दोस्तों, पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस आपने देखा ए पॉइंट से चलना किया, ए से बी पहुंचे, क्या हुआ, एक्स मीटर। फिर क्या हुआ, प्लस बी से सी पे वाई, प्लस फिर एक्स, प्लस फिर वाई, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वापिस उसी पॉइंट पे पहुंच गए। अब यहां देखा एक्स कितनी टाइम्स है, टू टाइम्स, टू एक्स प्लस टू वाई, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर है किस चीज का, रेक्टेंगल का। तो हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो कितना हो गया, टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है। बट आपने निकालना पेरीमीटर, आपको क्या गिवन है, इसने बोला हाफ द पेरीमीटर, हाफ मींस उस चीज का आधा, आधा करना है, आधा मतलब, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मींस हाफ एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, ये कितना, देखिए दोबारा लिखते हैं, पेरीमीटर कितना है, टू एक्स प्लस वाई, इसका क्या करना है आपको, हाफ करना है, हाफ मीन टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपके सामने एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपने देखा हाफ द पैरामीटर कितना निकला, x प्लस वाई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या है आपको, इज 36, ये 36 क्या दे रखा है। यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ दिस 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 इज 36, इज 36 क्या है, उसका पैरामीटर दे रखा है, मींस आपको क्या दे रखा है, 36 इक्वल एक्स प्लस वाई, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट वन इक्वेशन होगी, होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको देखना है लेंथ, फर्स्ट वन इक्वेशन तो बन गई, अब आपको क्या बनाना है, सेकंड वन इक्वेशन। उसने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ ज्यादा है, लेंथ कितनी माननी है हमने, x, तो x किससे ज्यादा है, 4 प्लस वाई। अब देखिए, हाँ मैंने 4 प्लस वाई क्यों लिखा, 4 इंटू वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए। अब आपको क्या निकालना, डायमेंशंस निकालनी है, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस मींस यदि उसकी लेंथ भी पता लग गई हमको, ब्रेथ भी पता लग गई, हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स और वाई को एक साथ ले लेंगे, इक्वल 4, तो ये हमारी क्या होगी, इसको सेकंड इक्वेशन की जगह हम इसको सेकंड इक्वेशन देते हैं, ठीक है। अब आपको फर्स्ट वन इक्वेशन और सेकंड वन इक्वेशन से मतलब है, यदि आपका ये सोल्व हो जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। अब देखिए हम आंसर निकालते हैं, फर्स्ट वन इक्वेशन है आपकी, देखिए मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। x आपने क्या माननी थी, लेंथ माननी थी, और y क्या माननी थी आपने, विड्थ माननी थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व। अब क्या है, अब देखिए फर्स्ट वन इक्वेशन ये है, सेकंड वन इक्वेशन ये है, अब आपको सोल्व क्या करना है, हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे दोस्तों, x की वैल्यू। तो यहां से हम लिखेंगे इक्वेशन वन, अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या निकली, x इक्वल 4 प्लस वाई, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहां पे आपकी क्या आई है, x की वैल्यू आई है, यदि जो हम x की वैल्यू यदि हम इसको फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से क्या होगा भाई, y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट वन इक्वेशन में। अब x की जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल
36. अब यहाँ पे y वन टाइम है, यहाँ पे वन टाइम है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल 36. हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साथ करेंगे. सर अब तो हमको आता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. 36 माइनस 4 2y इक्वल 32, देन y की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके सामने 16. ओके, अब आपके सामने क्या निकली, y की वैल्यू 16 निकली. सर हाँ, y मीन्स आप क्या निकलेगी, विड्थ निकलेगी कितनी 16. 16 क्या निकली 16. अब देखिए 16 है क्या, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है. अब आपको देखिए गिवन किस चीज में है, इस 36 मीटर दे रखा है दोस्तों. यहां पे देखिए 4 मीटर, मीटर है तो मतलब ये क्या है, विड्थ भी कितनी है, मीटर में ही आएगी. अब क्या निकालनी है, लेंथ की वैल्यू. वाई की वैल्यू आपका जहां पे भी मन करे, या तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में. अब देखिए क्या करते हैं, पुट वाई इक्वल 16 इन इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, तो x माइनस 16 इक्वल कितना हो जाएगा 4, देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 20. मींस जो आपकी लेंथ आई है वो कितनी आ गई 20. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको क्या करना था दोस्तों, अब आपको ये देखना था क्या हमने जो हमारा ये आंसर निकला है, हमने आंसर फाइंड आउट किया है, क्या ये सही है या गलत है. अब देखिए हम क्वेश्चन को पहले चलते हैं. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर लेंथ किससे ज्यादा, विड्थ से. अब देखिए विड्थ कितनी आई है 16 और लेंथ कितनी आई है 20. हाँ सर 20 और 16 में 4 का डिफरेंस है हमारा, ठीक है. बट क्या ये हमारी चीज सही है कि जो हमारा पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर, वो कितना आना चाहिए 36. आइए एक मिनट में क्रॉस चेक करते हैं. पेरीमीटर होता क्या है, अब आपको पता था x प्लस वाई था, क्योंकि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये 20, ये 16, ये कितना आ गया 36. ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा, आपने क्वेश्चन कर लिया. अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि देखिए यहां पे आपको 2 से 3 इक्वेशंस बनेंगी. उफ, यहां पे हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए. अब देखिए, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं. अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्या, ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है. अब देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0. ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जैसे जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए वो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, अब उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, उससे आपको क्या करना है, आपको एक सेकेंड लीनियर इक्वेशन खुद अपने आप ड्रॉ करनी है, बनानी है. अब उसकी कंडीशंस क्या है, जब वो आप लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे सेकंड, वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी इंटरसेक्ट होनी चाहिए, सेकंड वन आपकी पैरेलल होनी चाहिए, थर्ड वन आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, अब आपको सेकंड इक्वेशन खुद ड्रॉ करनी है, क्योंकि देखिए जब हम जो हमारे जो टू लाइंस है, वो टू लाइंस कब होती हैं, जब दो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कंसिस्टेंट होंगी. अब आपको क्या करना है, आप देखिए फर्स्ट वन बनाते कैसे थे हम, इनका रेशो, अभी हम इसका रेशो लिखते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2. ठीक है, पैरेलल लाइंस में हम क्या बोलते थे कि भाई a1 बाई a2 इज इक्वल B1 by B2 is not equal C1 by C2. और कॉन्स्टेंट में आपको पता है तीनों का जो रेशो होता है A1 by A2 is equal B1 by B2, वो क्या होता है equal. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वन देखते हैं, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइन करेंगे तो A1 हमारा कितना है 2. ठीक है, B1 कितना है हमारा 3, A2 कितना है. अब देखिए आपको क्या है, हाँ अभी तो हमको A2 और B2 चाहिए. अब A2 और B2 क्या चाहिए, अब क्या है, हाँ अब देखिए दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए. तो देखिए हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इंटरसेक्ट लाइंस के लिए. जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 4x. ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस, मैंने लिखा 9y माइनस 12 इक्वल 0. अब देखिए मैंने इक्वेशन ये ड्रॉ बनाई है खुद, क्या है अपने आप आपको बनानी है. ठीक है, बनाने के बाद आपको चेक करना क्या ये चीज दोनों जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट होंगी या नहीं होंगी. अब देखिए A1 कितना 2, A2 कितना आपके सामने कितना है दोस्तों 4. ओके, A1 B1 कितना है भाई 3 है,
और बी टू कितना है 9। अब हम इसको देखेंगे ये किसका वही है, कट करके 1/2, ये कितना हुआ 1/3, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो देखिए जो दो लाइंस हैं ये हमारी, जो हमारी दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, फर्स्ट वन तो आपको भाई गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, सेकंड वन आपने बना दी। अब सेकंड क्वेश्चन बनाते ही आपने देखा कि ए वन बाई इंटरसेक्टिंग होगी, क्यों इंटरसेक्टिंग होगी, बिकॉज जो हमारी कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, ठीक है आपने बना दी। अब देखिए इसके लिए भी फर्स्ट वन इक्वेशन गिवन है, मैं दोबारा लिख लेता हूं 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, दोनों जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो हमारे इक्वल होने चाहिए पहले टू रेशोज। तो हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 4x, इसको क्या बनाएंगे 9। अब देखिए 4x है, अब देखिए आपको कैसे, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि यहां पे आपका क्या चीज आएगी। अब देखिए इसको लिख लेते हैं 2/4, 2/4 मीन्स भाई 1/2 होगी, तो ये भी 1/2 होनी चाहिए, यहां पे 3 है तो 2 कैसे आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 6y, और यहां पे कुछ भी आ जाए क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, तो हम इसको लिख लेते हैं, हम इसको 24 लिख लेते हैं, ठीक है इक्वल 0। अब हम इसको देखते हैं ये कितना है 2/4, ये कितना हुआ 3/6, और ये कितना हुआ -8/-24। साइन मैटर्स करते हैं बिल्कुल, इसको देखा ये 1/2 है, इसको कट के ये 1/2 है, इसको कट करेंगे 1/3 है, तो यहां से आपको इजीली पता लग रहा है कि भाई a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारे जो लाइंस है वो कैसी हुई दोस्तों, ये हमारी कैसी हुई, पैरेलल लाइंस हुई। ओके अब ठीक है, ये आपने कैसे बनाई है, अब देखिए मैं आपको इस थर्ड वन इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट की है हम उसको बनाएंगे, उसके लिए क्या है, अब देखिए उसके लिए तीनों चीजें हमारे जो रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। सर हमको ये पता आपने 4-4 कर लिया, अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अब क्या है आपको रेशियो a1/a2 बनाना है, a1 आपको 2 गिवन है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, हम इसके नीचे लिखते हैं 6x, ठीक है। अब यहां पे प्लस, अब देखिए 1/3 हो गया, तो ये भी आपको क्या करना 1/3, 1/3 मींस 9y, ठीक है। अब ये भी क्या करना 1/3, तो -24 = 0, ठीक है। चलो हम इसको +24 लिखते हैं एक मिनट के लिए, अब हम इसको देखते हैं क्या ये लाइंस कॉन्स्टेंट है या नहीं है। तो क्या क्या 2/6 इक्वल कंडीशन होनी चाहिए भाई 3/9, ये कितना हो गया 8 - 8/24, ठीक है। आपने देखा ये भी 1/3, ये इसके 1/3 के इक्वल है, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है, ये तो सर -1/3 आ गया, बट आपको क्या करना है +1/3 होना चाहिए, तो यहां पे जो साइन आएगा वो किसका आएगा दोस्तों, वो भी आपका माइनस का आएगा, तो यहां पे क्या आएगा -24, तो ये इसके क्या हो गए इक्वल। तो जो हमारे कॉन्स्टेंट लाइंस हैं उसके लिए क्या हुई सेकंड इक्वेशन, ये पैरेलल लाइंस के लिए हमारी सेकंड इक्वेशन आपने हमने ये ड्रॉ की है, और जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्ट लाइंस जो करती हैं उसके लिए जो हमने सेकंड इक्वेशन ड्रॉ की है वो ये की है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे थर्ड पॉइंट 3.2 में लास्ट वन क्वेश्चन है, अब लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, क्या है देखते हैं, उसमें आपको कुछ समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा कि भाई इसमें ये इतना ही मुश्किल है या क्या चीज है। आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ करना है, ग्राफ बनाना है, जो हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है उसके लिए इक्वेशन क्या है x - y + 1 = 0, और सेकेंड वन इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, जो ये ड्रॉ करना है, तो आपकी कंडीशन आगे क्या है कि जो हमारा जो इसके बाद इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, एक ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल कहां पे होना चाहिए, वो ट्रायंगल एक्स एक्सिस पे आपका आना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या बनाने हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें सारी हिंट दूंगा मैं आपको, कैसे क्या क्या ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ होगा, और उसके बाद कैसे हमारा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आपने देखा एक्स वाई है, यहां से आप इसके फर्स्ट वन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सेम सेकंड वन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्या है हम देखेंगे ट्रायंगल बनेगा, मीन्स ये कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ होगा, क्या है ये जो लाइन्स है आपकी जो इंटरसेक्ट होंगी वो किस तरीके से होंगी, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी आपकी, ठीक है। अब ये ड्रॉ होने के बाद आपको क्या है, ट्रायंगल दिखाई देगा, कहीं पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, आपने देखा कि हाँ भैया कि ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक आपने देखा ये ट्रायंगल बन गया,
बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे क्या करना, उसको शेड करना है। क्या करना है दोस्तों? शेड। शेड कैसे करेंगे? अब देखिए ये भी ट्रायंगल, ये भी, तो आप किससे शेड करेंगे? हम इस तरीके से ऐसे शेड कर दें, क्योंकि आपको क्या चाहिए? ओनली एक्स एक्सिस पे चाहिए। अब क्या करना है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, यहां पे टू ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगे। एक तो आपको देखिए ये ट्रायंगल, जो ये वन ऊपर वाला ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ये किस पे हो रहा है? ये हमारा वाई एक्सिस पे हो रहा है। बट ये जो बड़े वाला ट्रायंगल यहां पे है, वो किस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो आपको एक्स एक्सिस को जो ट्रायंगल है उस पे क्या करना है, वो ड्रॉ करना है। तो आपने देखा आज हमने स्टूडेंट्स 3.2 एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज आपने क्या की है, हमने कंप्लीट की है। इसमें जितने क्वेश्चंस थे आपने सारे, हमने सारे किए हैं। फिर भी यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे न्यू है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।